साथियों, अपनी बात शुरू करने से पहले सभी साथियों को जो आज यहाँ पे प्रोटेस्ट में आए हैं, एफिजी बर्निंग में आए हैं, मैं उन्हें क्रांतिकारी इस्तकबाल करना चाहता हूँ। और साथ ही साथ जो किसान आज दिल्ली के बॉर्डर पे अपना संघर्ष लड़ रहे हैं, वहाँ पे डटे हुए हैं पुलिस या दमन के खिलाफ और इन काले कानूनों के खिलाफ डटे हुए हैं, उनको मैं क्रांतिकारी सलाम, लाल सलाम और जय भीम पेश करना चाहता हूँ। साथियों, जो किसान आज दिल्ली के बॉर्डर पर संघर्ष कर रहे हैं, उनका संघर्ष आज से या पिछले हफ्ते शुरू नहीं हुआ है। भले ही जब वो बॉर्डर पर आए तब नेशनल मीडिया ने उनके इशू को उठाया, पर उनका संघर्ष कई महीनों से चल रहा है। जब से मोदी सरकार ने जो है 3 किसान कानून एग्रीकल्चरल बिल्स को पास किया और एक जो अमेंडमेंट है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में उसको जब से पास किया, तब से संघर्ष चल रहा है। और जो अलग अलग तरीके से आज कोशिश की जा रही है कि संघर्ष की आवाज़ को दबाया जाए, कोशिश किया जा रहा है कि किसानों की आवाज़ को दबाया जाए, उसको आज मैं कड़े से कड़े शब्दों में उसकी निंदा करना चाहता हूँ। कहना चाहता हूँ कि मोदी सरकार चाहे जितना भी कोशिश कर ले, जिस तरीके से उसने कोशिश किया हमारी आवाज़ को दबाने का और अलग अलग तमाम जितने देश के आवाम है जो अपने हकों के लिए संघर्ष कर रही, उनके आवाज़ को दबाने का, उस तरीके से ये उनका जो कोशिश है ये भी विफल हो जाएगा। साथियों, जो 3 किसान कानून लाए गए हैं, अलग अलग तरीके से मोदी सरकार अपने सिगू पे छोड़ रहा है, अपने ढकोसले दे रहा है कि ये कानून किसानों को पता नहीं, मतलब जो इनका जो प्रॉमिस है कि 2022 में हम किसान की आय को दुगनी कर देंगे, तो ये कह रहे हैं कि इससे किसान की आय दुगनी हो जाएगी। मोदी जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि देश का एक किसान बताइए जिसने कहा कि ये कानून हमारे लिए ले आई है। मैं पूछना चाहता हूँ कि कहाँ से ये डिमांड आया कि आप APMC को ख़त्म कर दीजिए। और ये जो मोदी सरकार कह रहा है कि जो APMC है यानी जो मंडी है, मंडी ख़त्म होगी तो बिचौलिए ख़त्म होंगे, बिचौलिए ख़त्म होंगे तो देश के किसानों की आय बढ़ेगी। तो मैं पूछना चाहता हूँ मोदी जी से कि आप तो चाय बेचे हैं, आप तो कहते हैं कि मैं गरीब घर से हूँ, आपने कब देखा कि कोई किसान जो है बाज़ार में अपना जो है ये बेच रहा है? या आप कह रहे हैं बिचौलिए ख़त्म हो जाएंगे, तो आप जो अडानी और अंबानी को ये पूरा एग्रीकल्चर का सेक्टर ही दे रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि आप अडानी और अंबानी जाके किसान से जो है उनका प्रोड्यूस डायरेक्टली खरीद लेंगे? ऐसा उल झलूल बात जो किया जा रहा है आज, कहा जा रहा है कि जो बिचौलिए है उनसे हम मुक्ति दिला रहे हैं, कह रहे हैं कि MSP के नाम पे धोखाधड़ी हो रहा है, कह रहे हैं कि मंडी में धोखाधड़ी हो रहा है। आज आप देख लीजिए किस तरीके से जहाँ पंजाब और हरियाणा के किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो यही बात कह रहे हैं कि जो मंडी का आप बात कर रहे हैं, आप देखिए किस तरीके से बिहार हो चाहे UP हो, जहाँ पे पहले ही मंडी ख़त्म कर दिया, जो नीतीश कुमार की सरकार थी उसने 2006 में बिहार में मंडी को ख़त्म कर दिया था। आप देखिए क्या किसानों की हालत वहाँ हुई है, क्योंकि सीधा सीधा एक कोशिश है कि किस तरीके से जो पूंजीवादी है, जो कैपिटलिस्ट क्लास है, उसको किस तरीके से पूरा का पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर थोक के भाव में बेचा जाए, किस तरीके से किसानों के जिंदगियों के साथ खेला जाए और किस तरीके से उनके आय के नाम पे उनके साथ खिलवाड़ किया जाए, ये पूरा एक कोशिश आज मोदी सरकार कर रहा है। और इसे करने का क्या कारण है? करने का कारण यही है कि ये मोदी सरकार आज चल रहा है अडानी और अंबानी से, ये रिमोट कंट्रोल की सरकार है। आप देखिए जो एक लॉकडाउन उन्होंने इम्पोज किया था कोरोना के नाम पर, देश का GDP निगेटिव में चले गया, निगेटिव 24% में चला गया है, देश में मजदूर सड़क पे आ गए हैं, देश में लोगों की आय खत्म हो गई है, नौकरियां नहीं है, पर किसकी संपत्ति बड़ी है? लॉकडाउन से लेके अब तक क्या आप देखिए अंबानी की संपत्ति 25% से बढ़ गई है, अडानी की दुगना हो गई है। आज देश में इतना बुरा हालत होने के बावजूद जब यहाँ पे छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, यहाँ पे युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, किसानों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, अडानी और अंबानी को मेरा पूरा विश्वास है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने खाली पेपर पर साइन करके दिया कि आप ये कागज लीजिए, आपको जो अपना बिल बनाना है वो इस पर लिखे और हमको दीजिए, हम बिल बना देंगे। ये इस सरकार की सच्चाई है। और इसीलिए आज जो किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं JNU की तरफ से, हम लोग पूरी तरीके से उनके सॉलिडारिटी में है, उनके सपोर्ट में है कि जब तक के ये तीनों कानून वापस नहीं लिए जाते, जब तक के इलेक्ट्रिसिटी बिल में अमेंडमेंट वापस नहीं लिया जाता, जब तक MSP को गारंटी नहीं किया जाता और बाकी तमाम उनके डिमांड्स को सरकार मीट नहीं करती, तब तक के ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा। और आज अगर मोदी सरकार को लग रहा है कि सिर्फ किसान खड़े हैं तो ये झूठ है। आज किसानों के साथ छात्र खड़े हैं, मजदूर खड़ा है, देश का पूरा आवाम खड़ा होगा। और मोदी सरकार को समझ में आएगा जो उसका ढकोसला था 2014 में कि बहुत हुआ किसानों पे वार, अब की बार मोदी सरकार
ये कहते हुए जो सरकार आई और आकर किसानों के ऊपर ही वार करना शुरू कर दी, तो आज ये देश का आवाम उसको बताने के लिए तैयार है कि मोदी सरकार को अगर काम करना है तो जनता के हित में काम करें, ना कि अडानी और अंबानी के हित में। और साथ ही साथ जो मोदी सरकार की कुछ मीडिया में उनके जो अलग अलग जो गुर्गे बैठे हुए हैं, जो उनके जो चापलूस बैठे हुए हैं, जो अलग अलग तरीके से उनका एजेंडा पेडल करते हैं, जब JNU में छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे अपने फी के खिलाफ तो कह रहे थे एंटी नेशनल है, जब CA के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा था कह रहे थे कि ये तो पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी है, ये है, वो है, अभी कहा जा रहा है कि किसान भी एंटी नेशनल है, खालिस्तानी है। तो ऐसा जो नैरेटिव जो बार बार हम देखते हैं कि मीडिया के थ्रू फैलाया जाता है, ऐसा नैरेटिव फैलाने वालों को भी हम ये कहना चाहते हैं कि तुम्हारा जो फर्जी राष्ट्रवाद है, कि ये जो RSS के हिंदू राष्ट्र का, हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान का जो कहता है कि सिर्फ RSS, ABVP और BJP के लोग ही राष्ट्रवादी है, जो कहता है कि राष्ट्र हिंदुओं का है, जो कहता है कि ये राष्ट्र का जो इनका संकल्पना है, जो महिला दलित किसान मजदूर विरोधी है, ऐसे फर्जी राष्ट्र की संकल्पना को, ऐसे फर्जी राष्ट्रवाद को हम सरे से नकारते हैं, इसको हम एकदम मानने को तैयार नहीं है। और कहते हैं कि इस देश को जो हमने नारा अभी दे रहे थे, कौन बनाया हिंदुस्तान, भारत के मजदूर किसान, अगर आप इस बात को नहीं मानते, अगर इस देश के मजदूर और किसानों के साथ आप खड़े नहीं रहते, तो आपका राष्ट्रवाद सिर्फ झूठा है, एक ढकोसला है, पूरी तरीके से एक फर्जीवाड़ा है, और ऐसे राष्ट्रवाद को हम मानने के लिए तैयार नहीं है। तो इसीलिए अपने बात को खत्म करते हुए मैं कहना चाहूँगा कि आज जिस तरीके से किसानों का एक संघर्ष हो रहा है, उस किसानों के संघर्ष के साथ JNU और JNU का छात्र समुदाय पूरी तरीके से खड़ा है, और आने वाले समय में भी इस आंदोलन को और पुरजोर तरीके से आगे बढ़ाने के लिए हम तैयार हैं किसानों के सॉलिडरिटी में। और आने वाले समय में जितने भी तरीके का हमला होगा, चाहे किसानों पे चाहे मजदूरों पे, उसके खिलाफ लड़े रहने के लिए हम तैयार हैं और तैयार रहेंगे। ये कहते अपना बात खत्म करूँगा। शुक्रिया। जय भीम। इंकलाब जिंदाबाद।